मेरे पीछे है बैन मसीदी का केव और ये उसके अंदर टेम्पल है और जो आप चारों तरफ दीवारें दिख रहे हैं ये केव की दीवारें हैं। इस पर कुछ हिंदी स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे बट समय के साथ लोगों ने इसको स्क्रैच कर करके मिटा दिया। बट कह सकते हैं कि शायद ये कभी हिंदू टेम्पल रहा होगा। गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज का ये ब्लॉग चाबहार फ्री जोन स्पेसिफिक होने वाला है क्योंकि मैं आपको उन जगहों के बारे में बताऊंगा और उन अट्रैक्शंस को दिखाऊंगा जो कि चाबहार फ्री जोन के अंदर है, क्योंकि चाबहार फ्री जोन का अपना एक स्पेसिफिक एरिया है और ये पूरा एरिया चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है। ये ब्लॉग शुरू करूं उससे पहले मैं आपको चाबहार फ्री जोन के बारे में बता देता हूँ। जो ईरान के लास्ट शाह थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी, उन्होंने चाबहार फ्री जोन को एस्टैब्लिश किया था 1970 में और ये उनकी पॉलिसी थी कि ओवरसीज कंपनीज को यहाँ पे बुलाया जाए ताकि बिजनेस क्रिएट किया जाए और ईरान को एक ट्रेड पावर डोमिनेंट कंट्री बनाया जाए इंडियन ओशन में। बट उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू हो गया और ये प्रोजेक्ट काफी सालों तक अबंडन रहा। इस जगह को 1983 में ईरान और इराक वॉर में यूज किया गया, फिर उसके बाद 1992 के बाद यहाँ पर लोगों को बसाना शुरू किया गया। इंडिया भी इस पोर्ट को 2003 से यूज करना चाहती थी बट सैंक्शंस के कारण ये नहीं हो पाया। बट फाइनली 2016 में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट होता है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ताकि इस पोर्ट को एग्जीक्यूट किया जाए और पाकिस्तान को बाईपास किया जाए। और ऐसे कई और प्रोजेक्ट होते हैं जो साइन होते हैं बट सैंक्शंस उसके बाद और बुरा हो जाता है और काफी प्रोजेक्ट्स धरे के धरे रह जाते हैं। बट फिर भी ट्राई कर रहे हैं और इस पोर्ट पर काम चल रहा है ताकि इस पोर्ट को बेहतर बनाया जाए। मैंने इन अट्रैक्शंस को 2-3 दिन में पूरा किया है बट आपको ये सिंगल ब्लॉग में देखने को मिलेगा एंड होप यू विल एंजॉय इट। हम अभी जा रहे हैं पोर्तुगीज फोर्ट। ये फोर्ट पोर्तुगीज ने बनाया था 16th सेंचुरी के बाद। ये पूरा एरिया अंडर पोर्तुगीज ऑक्यूपेशन रहा। We are here. Still, so many stairs are left to reach up. Ved is taking Vivan because it's too tough for me to hold him all the way. From here, you can see beautiful sea and beautiful mountain. All these mountains belong to a village, old village called Tiz. अब चलते हैं कैसल के अंदर। पुर्तगीज फोर्ट एक मिलिट्री बेस था और जब पुर्तगीज 16th सेंचुरी में यहाँ पर आए तो उन्होंने इसे बनवाया ताकि यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस बना सके और ये जगह अब सिर्फ एक खंडहर है। ये इस फोर्ट के पीछे का व्यू है, आपको पूरा ये समुन्द्र नजर आएगा और यहाँ पर ईरान की मिलिट्री का बेस भी है। तो ये था पुर्तगीज फोर्ट और इस जगह की एक अपनी हिस्ट्री रही है। जो आपको मैंने पीछे विलेज दिखाया 30 विलेज, ये 2500
500 साल पुराना है, क्योंकि इस जगह को अलेक्जेंडर ने जीता था और ये जगह ट्रेड एक्टिव रहा 13 सेंचुरी तक। उसके बाद यहाँ पर मुगल आए और उन्होंने इस जगह को बर्बाद कर दिया। फिर यहाँ पर पुर्तगीज आए और उन्होंने इस जगह को अपना ऑक्यूपेशन सेंटर बनाया। मैं आपको ये 30 विलेज भी दिखाऊंगा। यहाँ पर भी कुछ एंशिएंट प्लेस है, कुछ जगह है, वहाँ भी जाएंगे। तो हम आ गए हैं बैनमस्टी एंशिएंट केव, तो एक और अट्रैक्शन है इस विलेज का। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इस विलेज के बारे में। ये विलेज 2500 साल पुराना है और ये बैनमस्टी केव है। बैन का मतलब प्योर और मस्टी का मतलब टेंपल। ये जगह पूजा करने के लिए बनाया गया था। आपको ये जितने ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये किसी जमाने में समुन्द्र के अंदर थे। तो ये सीढ़ियां है, ये पाथवे बना हुआ है, ये उस केव तक ले जाएगा। ये मेरे पीछे 30 विलेज का नजारा, 30 नंबर नहीं है कोई, 30 विलेज का नाम है। ये आर्टिफिशियल केव है और जो इसका रास्ता था अंदर जाने का, वो समय के साथ ढह चुका है। तो ये मेरे सामने इसका मेन केव है जो नेचुरल है, और ये अंदर टेंपल बना हुआ है। केव के सामने बैठा हूँ और ये बैनमस्टी का केव है और ये है इसके अंदर का टेंपल। और जो आप इसके पीछे दीवारें देख रहे हैं, इस पर हिंदी स्क्रिप्ट में कभी कुछ लिखा हुआ करता था, बट समय के साथ लोगों ने इसको स्क्रैच कर करके मिटा दिया। बट कह सकते हैं कि शायद ये कभी हिंदू टेंपल रहा होगा, क्योंकि जब अलेक्जेंडर आया था 2500 साल पहले और इस जगह को जीता था, तो ये उसके अंदर कभी ट्रेड सेंटर हुआ करता था। शायद उस समय भी इंडिया से लोग यहाँ पर आते थे और ट्रेड करते थे, और शायद उस समय इस जगह को मंदिर बनाया होगा, बट अब सिर्फ एक केव है और वो भी सारा स्क्रैच किया हुआ, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये इंडिया में होता तो एक पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा होता और शायद इसको एक धाम बना देते। इस केव के सामने से पूरा ये 30 विलेज का नजारा। लोग इसको कहते हैं ये तलवार का निशान है। अब हम जा रहे हैं तीसरा केव देखने। तो ये केव है, तो मेरे सामने तीसरा केव। और यहाँ के लोगों के दिमाग में तो इंडिया से ज्यादा खुराफात भरा पड़ा है। इस पत्थर को बोलते हैं कि ये जहाज था पहले, बोट था, और ये पत्थर का बन गया। मैं आपसे कोई भी स्टोरी इस केव्स के बारे में शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें फैक्ट्स कम और फिक्शन ज्यादा होगा, इसलिए मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं। उस टाइम तक में 2-3 हजार साल पहले हम बलोच, मेरे ख्याल में जरतुश्त था। अच्छा, जरतुश्ती थे। तो हमने ये बैनमस्टी केव्स देख लिया और अब हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन के लिए। मैं अभी आया हूँ लेपार रिक्रिएशनल पार्क। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा पार्क है, और जो सामने आपको पोर्ट नजर आ रहा है, ये वही पोर्ट है जो इंडिया ने लिया है और उस पर काम चल रहा है उसको बेहतर बनाने के लिए। हम आगे चलते हैं और पार्क को नजदीक से देखते हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ का बेस्ट होटल है, होटल लिपार। ये सारा इस पार्क का एरिया है। अभी सनसेट हो चुका है, अदरवाइज आपको एक अच्छा सा व्यू भी नजर आता है यहाँ पर। ये पार्क बहुत बड़ा है और हर दिन यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, पिकनिक मनाते हैं, रात में डिनर भी यहीं पे करते हैं। यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट हैं और ये इसके सामने का व्यू। ये सब लोगों के लिए बना रखा है ताकि यहाँ पर वो आराम से कबाब पका सके।
और ये बैठने की जगह है और यहाँ से लोग सामने का व्यू ले सकते हैं। ये एक रैंप बना रखा है लोगों के लिए ताकि वो वहाँ से नज़ारे एंजॉय कर सके। तो ये था लिपा रिक्रिएशनल पार्क और अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पर। दरे ओग्यानुस गेटवे ऑफ ओशन कह लो या ओशंस गेट कह लो, अभी मैं यहाँ पर हूँ और ये जगह मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ पाम ट्री नजर आएंगे और एक लाइन से तो ये दरे ओग्यानुस है और उसके साइड पर कलरफुल लाइट्स लगा रखे हैं और उसके नीचे से एक रोड क्रॉस हो रही है। यहाँ भी रेस्टोरेंट के लिए जगह बना रखी है, बैठने के लिए जगह बना रखे हैं बट अभी खाली है। ये बोट भी यहाँ पर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है। यहाँ से आपको पूरा चौबहार नजर आएगा और सामने चौबहार फ्री जोन का मार्क। हमने ये जगह देख ली, अब चलते हैं यहाँ का ट्रेड सेंटर देखने। चौबहार फ्री जोन का ट्रेड सेंटर और यहाँ पर सिर्फ मॉल्स है और आपको हर चीज मिल जाएगी जो डेली लाइफ में यूज होती है। यहाँ पर कहने के तो चौबहार फ्री ट्रेड जोन है बट आपको यहाँ पर जो चीजें मिलेगी वो काफी महंगी है। आप इसे बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर इससे चीजें सस्ती मिल जाएगी और सैंक्शंस लगने के बाद जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज थे सब एग्जिट मार चुके हैं, जिसमें सैमसंग एलजी जैसी कंपनी है वो सब एग्जिट मार चुके हैं और ये पूरा ईरान मार्केट चाइना डोमिनेंट है। यहाँ पर तकरीबन जो चीज़ें मिलेगी आपको चाइनीज मिलेगी बट उस पर एक लेबल लगा होगा मेड इन जापान और मेड इन जर्मनी, मेड इन इटली, इस तरह के लेबल लगे होंगे। तो खरीदने से पहले 10 बार सोच लेना। अंदर तो वीडियोग्राफी करने नहीं दिया, मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। तो यह है यहाँ का सदफ मॉल और इसके अपोजिट साइड में है आबरशाम। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ज्वेलर्स का मॉल है, यहाँ पर सब उनके आउटलेट्स है और यहाँ पर काफी इंडियंस भी काम करते थे जो ज्वेलरी बनाते थे बट क्राइसिस के बाद वो सब लौट गए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद मैं कोई और ब्लॉग नहीं बनाऊंगा चौबहार में क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ है और वीज़ा एक्सटेंड ना होने का एक ही कारण है, वो है मेरा रिलीजन। मेरा वीज़ा एक्सटेंड क्यों नहीं हुआ और उसका रिलीजन के साथ क्या लेन देन है, इसके लिए मैं अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तकरीबन 1.5 महीने से मेरा पासपोर्ट इनके हाथ में था और आज 9 जनवरी है और इन्होंने आज मेरा पासपोर्ट दिया है और 6 दिन का टाइम दिया है 15 जनवरी तक का कि मुझे ईरान छोड़ना है। इस पैंडेमिक में ना कोई फ्लाइट है इंडिया के लिए, फिर भी मुझे किसी भी हालत में ईरान छोड़ना है। देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।